वेल बिगेन मीन्स हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत बेहतर रही तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आती है कि शुरुआत आखिर की कैसे जाए, तो इसके बारे में फ्रांसिस आप असिसी का कहना है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है शुरुआत आप उससे करें, उसके बाद वो करें जो संभव है, जो आप कर सकते हैं, और फिर आपको लगेगा कि अब आप वो भी करने में कैपेबल हैं जो कि आपके लिए असंभव था। तो यहाँ पर एक बात आप और भी ध्यान दीजिएगा कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। कोई भी काम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, संभव है कि वह आपको असंभव लगता हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल स्वयं कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं इस कोट के साथ, और आज की तारीख है 15 जुलाई 2018, और आइए देखते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज। मैं जहाँ पर जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ पर आज बिजली नहीं है, मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप तक न्यूज़ पहुँचाने के लिए अपना वायदा पूरा कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होने जा रही है इसी 15 तारीख को, यानी कि आज, तो उसमें बायोमेट्रिक जो है व्यवस्था की गई है ताकि गलत अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल ना हो सकें। हालांकि परीक्षा आज ही हो रही है, इसलिए इसके बारे में बस इतना जानिए कि बायोमेट्रिक की व्यवस्था है जो कि आगामी परीक्षाओं में भी लागू रहेगी, यानी कि व्यायाम प्रशिक्षक वीडियो की परीक्षा जो होगी उसमें भी बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी, ताकि मुन्ना भाई अर्थात ऐसे लोग जो छल कपट का सहारा लेके परीक्षा को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं वो लोग परीक्षा में शामिल ना हो पाए। और जो OMR की सीट होगी उसे भी 3 प्रतियों में रहेगा, और उसमें एक कॉपी कैंडिडेट की भी रहेगी, एक कॉपी OMR की रहेगी आयोग के लिए, और बाकी की एक कॉपी का क्या करेगा आयोग ये तो आयोग ही जाने, ठीक है। तो एनीवे ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है उनके लिए जो मेहनतकश हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपने रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी में आवेदन किया है तो आप 20 तारीख तक अपने फॉर्म का स्टेटस जान सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है, CBT फर्स्ट फेज। तो इसके लिए 20 तारीख के बाद से एडमिट कार्ड जो होंगे वो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे, और इसकी सूचना जो अभ्यर्थी हैं उनकी ईमेल आईडी पर भेजनी शुरू कर दी जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी परीक्षा होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड भी प्राप्त होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो लोग पहले आवेदन किए हैं उनकी परीक्षा भी पहले होगी, जो लोग बाद में आवेदन किए हैं उनकी परीक्षा भी बाद में होगी। अब यहाँ पर एक और भी खबर आ रही है कि बिना पढ़े बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ा रहे शिक्षक, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 8 विषयों को शून्य कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये निकल के आ रही है कि विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखा गया है कि अभ्यर्थी जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ BSc हो, यानी कि जूलॉजी और बाटनी वालों के सामने करियर का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या और भी है कि जो एस्पायरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, अगर उन्हें बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो बायोलॉजी पढ़ाने में कैसे कैपेबल होंगे, तो ये एक समस्या है। और हालांकि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की नीति के कारण 2 विषयों जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी BSc PCM वालों के पास रहती है। अयोग्य शिक्षक बिना संबंधित विषय पढ़े हाई स्कूल के छात्रों को जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं। एनीवे उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा नियमावली में संशोधन के बाद यूपी बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 के साथ स्नातक करने वालों को TGT सामाजिक विज्ञान में शामिल होने का मौका दिया था। अब जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषय लेकर स्नातक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने ठीक उसी तरह से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को TGT विज्ञान में शामिल करने की मांग की है। अर्थात इसमें से अगर कोई 2 विषय है तो वो आवेदन कर पाएँ विज्ञान के लिए, ऐसी मांग की जा रही है। हालांकि मामला निश्चित रूप से कोर्ट जाएगा, अब कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा फिर वो विचारणीय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आपको बता दें कि इस बार TCS का जो आवेदन लिया जा रहा है, TCS प्री 2018 का, उसमें लोअर के बहुत सारे पद शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोअर के ऐसे पद कई हैं जो कि इस भर्ती में यानी कि PCS प्री में शामिल नहीं हुए हैं। तो इनके बारे में सचिव का कहना है कि शीघ्र ही जब इन सभी पदों का एक डेटा अध्याचन हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम लोअर PCS की परीक्षा अलग से भी करवाएंगे, यानी कि ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है उनके लिए, जो इस बार अगर सफलता प्राप्त करने से चूक जाएंगे तो अगली बार वो पुनः लोअर PCS की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि सचिव का ये भी कहना है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी के जो पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। आयोग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में लोअर सब ऑर्डिनेट को जगह न दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि इन पदों पर भर्ती होगी या नहीं होगी, अगर भर्ती होगी तो आयोग परीक्षा का आयोजन कब करेगा। तो यानी कि एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि लोअर PCS के बहुत सारे पद जैसे कि अधिशासी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, सहकारी निरीक्षक, आमोद एवं प्रमोद निरीक्षक, कर अधिकारी, पंचायती राज प्रशासनिक अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डिप्टी जेलर, उद्यान निरीक्षक समेत कई पदों पर अब तक लोअर सब ऑर्डिनेट की परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती थी। आयोग इनमें जो से आधे दर्जन पदों को अब PCS में शामिल कर चुका है। हालांकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सचिव ने क्या कहा है। सचिव ने कहा है कि लोअर के जो पद PCS में शामिल नहीं किए गए हैं जल्द ही उनके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। नए नाम और नए कलेवर से परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। आयोग में इस पर विचार चल रहा है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी सब कुछ समाचार सुबी रहेगा। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है UP SSC के द्वारा। आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट के 5306 पदों की भर्ती में अंतिम तारीख तक CCC सर्टिफिकेट न जमा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी साक्षात्कार में बुलाने का आदेश दिया गया है। इनका चयन याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने संजय शर्मा व 33 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह को सुनकर कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण पत्र औपचारिकता ही है, अभ्यर्थी को अर्हता मिल गई है तो उन्हें साक्षात्कार में बुलाया जाए। याचिका के अनुसार 77 विभागों में 5306 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख 11 मार्च 2016 थी। भर्ती के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के पास CCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी था जो आवेदन की अंतिम तारीख तक जमा भी करना था। यह प्रमाण पत्र विलम्ब से मिलने के कारण याची अंतिम तारीख तक उसे जमा नहीं कर सके थे। याची लिखित परीक्षा में सफल हो गए लेकिन अंतिम तारीख तक CCC प्रमाण पत्र न जमा करने के कारण उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। याचियों का कहना था कि उनका CCC का रिजल्ट 9 मार्च 2016 को ही आ गया था, ऐसे में भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख से पहले उनके पास CCC की अर्हता थी लेकिन अंतिम तारीख तक प्रमाण पत्र नहीं था। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी इस बार भी मान्य रहेगा उनका जो आवेदन, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन वो पास हो चुके थे परीक्षा में। हालांकि यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि आवेदन जब आप कर रहे हो तो उसके पहले आपके पास CCC पास आउट का सर्टिफिकेट हो या कम से कम आप पास हो चुके हों, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। तो यहाँ पर अब अगली न्यूज है, वेबसाइट पेज पर खुद को पंजीकृत करवाएं परीक्षार्थी। संघ लोक सेवा आयोग के मुताबिक सभी सफल परीक्षार्थियों को ऑनलाइन DAF भरने से पहले वेबसाइट के संबंधित पेज पर खुद को पंजीकृत करवाना होगा। UPSC के मुताबिक मुख्य परीक्षा के 3 हफ्ते पहले UPSC की वेबसाइट पर मेंस का टाइम टेबल और ई एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थियों को यह भी बताया गया है कि उन्हें उनके अंक, कट ऑफ अंक और स्क्रीनिंग टेस्ट की उत्तर कुंजी सिविल सेवा परीक्षा 2018 के अंतिम नतीजे आने के बाद ही मिलेगी। यानी कि जब परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये सारी जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश के 4000 से अधिक अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक पद पर सीधी भर्ती पर विराम लगाने की तैयारी है। कॉलेज प्रबंधक, प्रधानाचार्य और DIOS से मिलकर अपनों को रिक्त पदों पर तैनात अब वो नहीं करा सकेंगे। अध्याचन लेने, ऑनलाइन लेने और उसका जवाब दे जिला विद्यालय निरीक्षक को बनाया जा रहा है। कुछ ही माह में यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी कि अब तक जो सीधी भर्तियां होती थी उसमें प्रधानाचार्य
DIOS और मैनेजर मिल के जो है पूरा काम करते थे, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी और फिर जो मनमानी थी वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो उन्हें बता दें कि अब तक जो भी गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट हुई है उससे संबंधित जो DIS हैं उनकी भी जाँच की जाएगी, उन्हें चिन्हित करने का कार्य भी शुरू हो चुका है। सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनात करने का आदेश पहले ही दे रखा है, इससे अब प्रबंधक, प्रधानाचार्य और DIOS मिलकर चहेतों की तैनाती नहीं कर सकेंगे। ऐसा होने से ही चयन बोर्ड के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। चयन बोर्ड अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन अध्याचन लेने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। इसमें कॉलेज प्रधानाचार्य रिक्त पदों का ब्यौरा देंगे और उसका अनुमोदन DIOS करेंगे, यानी कि अब हर चीज़ ऑनलाइन होगी और अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि DIOS को जिम्मेदार माना जाएगा और फिर उनसे ही इसका जवाब भी मांगा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के बारे में तो आपको पता ही है कि वेबसाइट पर अब अपना आवेदन का स्टेटस आप जान सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसकी परीक्षा होने जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा अवेयर रहें। और UPPCS के बारे में एक खबर ये भी है कि हो सकता है कि इस बार परीक्षा केंद्र वही आपको मिले जो आप नीचे अपने एड्रेस कॉलम में जिस जिले का चयन आप कर रहे हैं। हालांकि इस बार भी परीक्षा केंद्र का विकल्प नहीं मांगा गया है। और चलते चलते अब एक दो खबर और भी है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो TGT होता है, LT ग्रेड होता है, ये समकक्ष पद हैं, लेकिन इस पर भर्ती प्रक्रिया के दो मानक अपनाए जा रहे हैं। LT ग्रेड के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जा रहा है। इसकी परीक्षा 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। और इसी के साथ साथ जो TGT की परीक्षा है जो कि LT ग्रेड के समकक्ष होती है, तो वो परीक्षा में साक्षात्कार भी लागू रहेगा, यानी कि रिटर्न के साथ साक्षात्कार भी होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दो नियम हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्यों है। ये डिफरेंस इसलिए है कि जैसा कि आपको पता है कि योगी सरकार जब बनी थी तो प्रदेश सरकार ने समूह ग और समूह घ और समूह ख के अराजपत्रित जो पद हैं उनमें से इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय लिया था। तो जो पुरानी भर्तियां हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उसमें जो पुराने नियम थे वही लागू रहेंगे। अब जो नई वैकेंसी आएगी TGT उत्तर प्रदेश की, तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसी वजह से इस बार 2016 की जो TGT होगी उसमें इंटरव्यू होगा, क्योंकि 2018 की TGT में इंटरव्यू नहीं रहेगा, क्योंकि LT ग्रेड में इंटरव्यू नहीं है, तो TGT में भी जो है नहीं रखा जाएगा। ये जो बेसिक डिफरेंस है इसका मूल कारण यही है। ठीक है, और अब चलते चलते आपको बता दें कि IAS यानी कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और इसके परिणाम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप www.upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बार बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी इलाहाबाद से उत्तीर्ण भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।